Hello, so let's read this question. The question says an original solution of an organic salt in dilute HCl gives brown coloration with potassium hexacyanidoferrate and reddish brown coloration with sodium acetate solution. The cation of the salt is okay. हमें बताना है cation क्या हो जाएगा salt का. ठीक है, the concept for this question is qualitative analysis. Qualitative एनालिसिस. ठीक, सी हमें क्या बोला है कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, उसका हमने रिएक्शन कराया डाइल्यूट एचसीएल के साथ. ठीक है, अगर हम लोग डाइल्यूट एचसीएल के साथ, सबसे पहले हम लोग आयरन का केस कंसिडर कर रहे हैं. ठीक, आयरन का रिएक्शन कराएंगे तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ FeCl3. तो हमारे पास क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा. ठीक, और फिर FeCl3 का रिएक्शन किससे कराना है, हमें रिएक्शन कराना है पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ. ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ आयरन प्लस 3 का रिएक्शन होगा. इट विल रिजल्ट इन FeCN6. राइट, ये जो कंपाउंड होता है फेरिक, जो कंपाउंड होता है हमारे पास फेरिक फेरी साइनाइड, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है. ठीक है, और क्या बनता है हमारे पास इसमें, KCl बनता है. ठीक, ये कंपाउंड का नाम क्या है हमारे पास, इट इज फेरिक फेरी साइनाइड. ठीक, और फिर क्या है, फिर है हमारे पास किसका रिएक्शन, फिर है FeCl3 का रिएक्शन सोडियम एसिटेट के साथ. ठीक है, सोडियम एसिटेट के साथ. क्या बनेगा हमारे पास, इट विल बेसिकली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 फोर थ्राइस एंड NaCl. ठीक है, ये जो हमारे पास बना है फेरिक एसिडेट, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है. इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है. ठीक, तो हमें देखा कि जो आयरन के सॉल्ट्स है राइट, वो ब्राउन कलरेशन देंगे किसके साथ, हेक्सासाइनाइडोफेरेट के साथ, और रेडिश ब्राउन कलरेशन दे रहे हैं सोडियम एसिडेट के साथ. तो ये ऑप्शन जो है कौन सा, आयरन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ठीक, बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की. राइट, यानी निकल और कॉपर की, तो उनके जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो K3FeCN6 के साथ यानी पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट के साथ रिएक्शन नहीं शो करेंगे. राइट, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे. और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी. बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.